जोनास और जो तास्लीम चाइनीज डिसेंट के इंडोनेशियन एक्शन मार्शल आर्टिस्ट मूवी स्टार हैं। वो सन 1997 से 2009 तक की इंडोनेशियन जूडो टीम के मेंबर भी रह चुके हैं और उनको रेड रिडेम्पशन मूवी के कैरेक्टर जाका के नाम से भी जाना जाता है। तो इस लिस्ट में हम जो तास्लीम की उन मूवीज के बारे में बात करेंगे जिनमें इन्होंने अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स को काफी डिसेंट अंदाज में शोकेस किया है। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलते हैं इस लिस्ट की पहली मूवी की तरफ। इस लिस्ट की पहली मूवी है डेड माइंड, जो 2012 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 4.5। इस मूवी के डायरेक्टर हैं स्टीवन शेल। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। इस मूवी में ट्रेजर हंटर की टीम जंगल में गोल्ड ढूंढने के लिए जाती है और वर्ल्ड वॉर टू के बंकर में फंस जाती है और बाहर निकलने का रास्ता बंकर से अंदर होकर के जाता है। इस मूवी में जो तास्लीम ने जोको नाम के कैरेक्टर का रोल निभाया है। इस लिस्ट की अगली मूवी है फास्ट एंड फ्यूरियस 6, जो 2013 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7। इस मूवी के डायरेक्टर हैं जस्टिन लिन। ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज का 6th इंस्टॉलमेंट है और इस मूवी में जो तास्लीम ने एक मर्सिनरी विलन जा का रोल निभाया है, जो मूवी के प्रोटैगनिस्ट रोमन पियर्स और हान से फाइट करता है। इस लिस्ट की अगली मूवी है मॉर्टल कॉम्बैट, जो 2021 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 6.1। इस मूवी के डायरेक्टर है साइमन मैकक्वीड। ये मूवी मॉर्टल कॉम्बैट वीडियो गेम पर बेस्ड है और इस मूवी में लुइस टैन ने कोल यंग नाम के एमएमए फाइटर का रोल प्ले किया है, जो अर्थ को आउटवर्ल्ड के कब्जे से बचाने के लिए एक टीम ऑफ चैंपियंस क्रिएट करता है। इस मूवी में जो तास्लीम ने सब जीरो नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। इस लिस्ट की अगली मूवी है स्टार ट्रेक बियॉन्ड, जो 2016 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7.1। इस मूवी के डायरेक्टर हैं जस्टिन लिन। ये मूवी स्टार ट्रेक फ्रेंचाइज का एक पार्ट है और इस मूवी का प्लॉट एलियन साइंस फिक्शन थीम पर बेस्ड है। इस मूवी में जो तास्लीम ने एक एंटागोनिस्ट कैरेक्टर मानस का रोल निभाया है। इस लिस्ट में अगला नाम वॉरियर का है। ये एक टीवी सीरीज है जो 2019 से 2020 तक की टेलीकास्ट हुई थी। इस टीवी सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है और इस सीरीज के दो सीजन है। सन 1800 के टोंग वॉर्स के समय आहसान एक मार्शल आर्ट प्रोडजी जो चाइना से सैन फ्रांसिस्को माइग्रेट करके चाइना टाउन का मोस्ट पावरफुल इंसान बन जाता है। इस टीवी सीरीज में काफी हाई लेवल का एक्शन मार्शल आर्ट सीन है और इस सीरीज में जो तास्लीम ने ही योंग नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। इस लिस्ट की अगली मूवी है द स्वॉर्ड्समैन, जो 2020 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 6.7। इस मूवी के डायरेक्टर हैं चो जे हॉन। ये एक कोरियन एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी में एक हाफ ब्लाइंडेड स्वॉर्ड्समैन अपनी बेटी को किडनैपर से बचाने की कोशिश करता है। इस मूवी में जो तास्लीम ने गुरु ताय नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। इस लिस्ट की अगली मूवी है द नाइट कम फॉर अस, जो 2018 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7। इस मूवी के डायरेक्टर हैं टीनो जेंताओ। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में जो तास्लीम ने ईटो नाम के कैरेक्टर का रोल निभाया है, जो एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए अपने गैंग को बीट्रे करता है। इस मूवी में आइको ओवेस ने आर्यन नाम के विलन का रोल प्ले किया है। अब चलते हैं इस लिस्ट की लास्ट मूवी की तरफ। इस लिस्ट की लास्ट मूवी है रेड रिडेम्पशन, जो 2011 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7.6। इस मूवी के डायरेक्टर हैं गैरेथ इवांस। इसी मूवी ने जो तास्लीम को वर्ल्ड लेवल पर इंट्रोड्यूस किया था और इस मूवी में जो तास्लीम ने एक कॉप जाका नाम का रोल प्ले किया है, जो नोटोरियस गैंग मेंबर को पकड़ने के लिए एक बिल्डिंग पर रेड डालता है। ये एक हाई इंटेंसिटी वाली एक्शन मार्शल आर्ट मूवी है जिसमें जो तास्लीम ने अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स को काफी डिसेंट अंदाज में शोकेस किया है। इस मूवी में लीड प्रोटैगनिस्ट का रोल आइको ओवेस ने निभाया है। तो ये थी जो तास्लीम की कुछ टॉप मूवीज। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एक्शन मार्शल आर्टिस्ट मूवी स्टार के साथ।